ये एक बड़े इंथुजियास्टिक फैन आई हुई हैं, क्या नाम है अपना? दिव्या। दिव्या ये दूर से इशारा कर रही थी, और लेकिन जब भले उनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है मुझे नहीं पता हस्बैंड है, लेकिन मैं तो सोचा आप लड़की है तो मैं खूबसूरत लड़की को कभी भी छोड़ता नहीं भले उनके हस्बैंड के साथ हूँ। जोक्स, आई होप यू डोंट माइंड। थैंक यू सो मच। बड़े ब्लेस्ड हो यार आप, बड़े खूबसूरत बीवी हैं आपकी और उनके साथ मैच देखने के लिए जा रहे हो। आप रिपोर्टिंग करो, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। एनीवे दिव्या, किस आप लोग से ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग ऐसे मैच के देखने के लिए आते हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप का मैच है, किस तरह की फीलिंग्स के साथ जाते हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा, रात को सो ही नहीं पाए हम, अलार्म का वेट कर रहे थे कि बस बजे और भागे। हम 15 साल से यूएस में रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में ही आ गए थे, स्टूडेंट लाइफ में ही आ गए थे। और स्टूडेंट ही, अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो हस्बैंड नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए कि हम अभी भी यंग लग रहे हैं। खुशी अलग है आज। चलो कुछ और कहना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में? नहीं, आई लव यू विराट। बात है, आई होप विराट को जो है, मैं ये क्लिपिंग बाद में मौका मिले तो मैं दिखूं। बिल्कुल। तो नेशनल सॉन्ग बज रहा है हमारी तरफ से, चलिए फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, नाइस, आई रियली अप्रिशिएट जॉइनिंग यू, थैंक यू सो मच। एक और बड़ी यंग फैन है हमारे साथ, और बहुत कम होता है कि किसी फैन से हम, स्पेशली यंग फैन से हम दोबारा मुलाकात करते हैं। इनकी खासियत ये है, इनसे मैं कहाँ मिला था, वेस्ट इंडीज में मिला था, और फिर आपसे न्यूयॉर्क में मिला। इंग्लिश हिंदी जो भी आप कंफर्टेबल है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके होम टाउन में ये मैच हो रहा है? Yes, हो रहा था। Pretty cool to see them here. Oh, lovely to see hear that accent. लग रहा ना जब कोई अंग्रेज, proper अंग्रेज से बात कर रहे हैं ना, अपने हिंदुस्तानी जब इस accent में होता, I feel so happy. Yeah. Yeah, it's really pretty cool to see them here, and it's you know, me and my dad go. We went to South Africa. We went to Trinidad. You're really blessed to have such a wonderful dad. Yeah. Yeah, and cricket tragic he is. Yes. Yeah. And it's really cool. It's a 15-minute drive from home. We don't have to take a flight. It's amazing. Yeah. So yeah, it was a great day for you. It was a great day. Yeah, I got to miss school. Thank you so much. और जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि young लोग हैं, और बहुत एक हमारे साथ खास मेहमान और हैं, और इनकी जर्नी, चूंकि देखिए आज के डेट में इंडियंस के लिए यूएस आना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे हमें फैंस मिल रहे हैं यंग जनरेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं, मेडिकल में, इंजीनियर में, लेकिन जिस दौर में सर आए, मुंबई से आए, और जिस तरह से उन्होंने उस दौर में अपना मकाम हासिल किया, और मकाम क्या, इनका मकान भी बड़ा तगड़ा है, इन्होंने मुझे गाड़ी में, इन्होंने, और 72 साल की उम्र के, लेकिन इन्होंने मुझे एक घंटे की ड्राइव पे, ये मैं टाइम्स स्क्वायर लेके गए, फिर इन्होंने मुझे पिक किया, और ये इस दिन मुझे कह रहे थे कि भाई मैं आपको पूरा न्यूयॉर्क घुमाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं था। सर थैंक यू सो मच, पहले आप अपना परिचय बताएं सारे लोगों को। प्रमोद तन्ना, राइट वे टू से, आई एम विनीत नेबर, ही इज अ ग्रेट गाय, ही कनेक्ट्स लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, ही इज अ ग्रेट कनेक्टर, ही इज, ओके, आई केम इन 75 एंड इन व्हेन आई लेफ्ट इंडिया, आप हिंदी सर अच्छी बोलते हैं सर, इंडिया तो, इंडिया वाज इन बैड शेप इन द क्रिकेट, वेरी बैड शेप, शैम्बल, वी नेवर सीन इंडियन विनिंग एनी टाइम, आई कैन काउंट फाइव टेस्ट वी वन, लाइक वन इन द बाय चंद्रशेखर इन 70s, या 4 5 एंड दैट्स अबाउट इट रियली, एंड नाउएडेज आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस यंग इंडियन टीम, दे हैव पुट द इंडिया इन द ऑल टुगेदर डिफरेंट वैरायटी, एंड मैटर ऑफ ऑल द ब्रिटिश पीपल एंड एवरीबॉडी, दे से बॉम्बे इज द मक्का ऑफ क्रिकेट, दे मेड लॉट ऑफ मनी बिसाइड दे प्ले गुड क्रिकेट, दे हैव शोन लॉट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस अवर दिस टीम इज टुगेदर इन ओल्ड टाइम, टुगेदर यस, इन बिफोर इन ओल्ड टाइम द rich people used to travel by the plane and regular people used to go by the train or the bus, but these people have traveled all together, they stay together, lot of friendship, and I love this team and I'm going to follow till I die, I'm telling you. Are sir yaar main next time aa raha hu sir, aur aapke sath to ab har baar aa gaya new york ki yatra, thank you so much.